नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अपराधियों के हौसले गुनाह में इस कदर बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े लोगों के सामने कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही वाक्य देखने सामने आया जब पठार मोहल्ला निवासी नवल किशोर कुशवाहा की दुकान पर अज्ञात लोगों ने अपने मुंह पर रुमाल बांध कर आए और दुकान में फैले पत्थर मारे और तोड़फोड़ की। बाद में थाना कोतवाली में इसकी शिकायत की गई। थाना प्रभारी विवेक अस्थाना का कहना है कि नवल किशोर के सामने ही रहने वाले किसी व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसके चलते यह घटना घटित की गई है। इसी बात की शिकायत नवल किशोर कुशवाहा ने दर्ज कराई है। लड़के ज़्यादा बड़े थे। क्या मामला है? ये वो दुकान पे बालक बैठा था तो 9 लोग आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने पहले पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने जैसे मुझे आवाज़ देने गया वो कि पापा, इतने में तो उन्होंने धड़ पूरे दुकान तोड़ फोड़ करके गाड़ी से निकल गए। कोई भी गाड़ी में नंबर नहीं था। तो क्या कौन लोग थे, क्या किस तरह के पहचान? नहीं, पहचान नहीं, अपने सामने वाले से विवाद चल रहा था और अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, कभी किसी लड़ाई नहीं रही ना किसी का व्यवहार खराब हुआ। तो मतलब किसी प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं है? सामने वाले धांकड़ हैं, इनसे अभी अपनी लड़ाई हुई थी 4 दिन पहले, इसके 1 साल पहले ही हुई थी। उनका वो तारीख है अभी 1 महीने बाद। तो क्या आपका क्या मतलब वो हो सकते हैं? वो हो सकते हैं। कल रात्रि की बात है, पठार मोहल्ले में शिव किराना स्टोर है जिसके मालिक नवल कुशवाहा हैं, उनकी दुकान पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करी है। इनका नवल कुशवाहा का पहले से ही उनके सामने रहने वाले धाकड़ समाज के कुछ व्यक्तियों से वाद विवाद चल रहा है। इन्होंने शंका व्यक्त की है कि उन लोगों के द्वारा या तो तोड़फोड़ की है, उन्होंने उनके द्वारा करवाई गई है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी विवेचना की जा रही है। सर, अभी करीब 5-6 दिन पहले इनका विवाद हुआ था, तापने के ऊपर से कुछ विवाद हुआ था। उस समय दोनों पक्षों ने ना तो कोई रिपोर्ट करी थी और ना कोई कार्रवाई चाहिए थी। अब अभी चूँकि इन्होंने रिपोर्ट करी है कल रात्रि में, इसलिए इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। विगत दिनों अशोकनगर थाने में एएसआई का शव टावर पर लटका मिला था, जिसमें संदेह जताया जा रहा है कि उक्त एएसआई की हत्या करने के बाद उसके शव को वहां टांग दिया गया था। इसी बात का ज्ञापन देने आज शहर भर के युवा कांग्रेस के युवाओं ने कलेक्टर राजेश जैन को इसकी निष्पक्ष जांच किए जाने हेतु ज्ञापन दिया। शासन भोपाल द्वारा जिलाधीश महोदय को ना जैसे एएसआई श्री सतीश चंद्र जी की हत्या की सीबीआई जांच करवाने के संबंध में एवं एसपी भदौरिया अशोक नगर को तत्काल प्रभाव से जिले से हटाने के संबंध में माननीय महोदय उक्त घटना के संबंध में ले जाएगी। अशोक नगर कोतवाली के समीप वायरलेस टावर पर जो मृतक एएसआई रघुवंशी जी मृत शरीर जिस अवस्था में गुना नगर के प्रमुख नागरिकों एवं गुना नगर के युवाओं द्वारा बीते दिनों अशोक नगर में जो सतीश रघुवंशी जी का जो निधन हुआ है, जो उसमें आशंका व्यक्त की जा रही कि उनकी हत्या की गई, उसकी सीबीआई जांच के मामले में यहाँ एक ज्ञापन दिया गया है। गुना शहर की प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग के लोग सतीश रघुवंशी जी के परिवार के साथ हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ हैं
कि छोटे पुलिस कर्मियों पर आए दिन जो है देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश भर में जो आत्महत्या करने को छोटे पुलिसकर्मी मजबूर हैं, उन सबके साथ गुना शहर का प्रत्येक नागरिक है। हमने 15 दिन की मांग की, अगर CBI जांच नहीं हुई तो गुना में उग्र आंदोलन होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी गुना जिला प्रशासन की होगी। गुरु गोविंद सिंह जी जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू जागरण मंच के द्वारा निकाली गई वाहन रैली। उक्त रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर इस रैली में उपस्थिति दर्ज कराई। मानस भवन में आज से बहेगी ज्ञान धर्म और भक्ति की गंगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानस भवन में सूरत शब्द योग एवं सिद्ध महायोग साधना सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय आयोजन में महाराज श्री कृपाल सिंह जी के मुखारविंद से भक्ति और धर्म की गंगा बहेगी। इसका आयोजन संत कृपाल सत्संग सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। आगरा में हुजूर राधा स्वामी जी महाराज हुए और उनके छोटे कार्य गए और उनकी कृपा मिली। ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम के अध्यक्ष को और दाता दयाल जी महाराज से हुजूर मालिक साहब को शब्द योग का साधन प्राप्त हुआ। वही साधन ग्वालियर के निकट ही अत्यंत तर्क संगत और स्वतंत्र रहा, वो उनका सोच है और कहना है कि जो सरल शब्द योग का साधन है वो सनातन से वैष्णव महाराज जी ने फरमाया हुआ है। सबसे पहले हम सब मिलकर 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आंखें बंद करके ध्यान साधन में। धूमधाम से मनाई गई सिखों के धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। जयंती पर सुबह से ही गुरुद्वारा गुरु सिंह साहिब में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज जिला भाजपा के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही उनके सिद्धांतों पर चलने की बात भी कही गई। भारत माता की अटल बिहारी जिंदाबाद जिंदाबाद अटल बिहारी जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 93वां जन्मदिन है। हम सब सौभाग्यशाली है कि उनके कहे हुए अनुसार जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी तब उन्होंने कहा था कि आज एक वोट से मेरी सरकार गिर रही है और पूरा सदन हम पर हंस रहा है, किंतु मैं आज इस सदन में यह घोषणा करता हूं कि भगवान की कृपा हुई, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन पूरे देश में राज्य भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज वो बात पूरी होने जा रही है और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे यशस्वी युग पुरुष महानायक को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के क्रम में इस सैद्धांतिक रास्ते पर वो चली तो हमारी भी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और हमारी भी अपेक्षा भी यही है कि जनमानस अटल जी के बताए हुए सैद्धांतिक रास्ते पर चले और देश में सुशासन की कल्पना करें। दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन क्राइस्ट स्कूल के चर्च में विशेष सजावट की गई, जहां पर आज रात एक विशेष पूजा भी की जाएगी। शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधु चर्च पहुंचेंगे, जहां विशेष प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। वाल्मीकि समाज पर फिल्म अभिनेता सलमान खान के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने स्थानीय जस्तम चौराहे पर सलमान खान का पुतला दहन किया और पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि सलमान खान पर FIR दर्ज की जाए। कानूनी कार्रवाई की जाए।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की। इस सेवा भाव से उन्होंने समाज को ये प्रेरणा दी कि जिन बुजुर्गों की उंगली पकड़कर हम चलना सीखे हैं, उन उम्र के आखिरी पड़ाव में इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अटल बिहारी जी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। अरे और सब अंदर देना, एक ही दे दो सब। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पत्ता गाड़े में पत्ता उठा लो, पत्ता साइड में कर दो, इधर से ले लेना, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, इस साइड आ जाओ। आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा गुना मंडल के द्वारा वृद्धाश्रम में उनका वितरण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक नामी फरार अपराधी। बता दें कि कल देर शाम सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस टीम को एक कुख्यात अपराधी की सूचना मिली थी। उसके बाद गुना पुलिस टीम रवाना होकर बीलाखेड़ी थाना धरना आपदा से रामगोपाल पारदी को गिरफ्तार कर लाई। इस अपराधी पर 30,000 का इनाम भी था। यहां समस्या परे एक बात यह भी है कि उक्त अपराधी को उस सब इंस्पेक्टर ने पकड़ा जिसका यहां से तबादला हो चुका है, लेकिन उसे यहां से जाने नहीं दिया जा रहा। एक बात जो सबके गले से नीचे नहीं उतरती, धरनावदा थाना क्षेत्र के आरोपी को गुना की पुलिस टीम पकड़कर लाई तो धरनावदा पुलिस क्या कर रही थी। वहीं सूत्र बताते हैं कि उक्त आरोपी के पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ भी संबंध हैं और कई बार आला अधिकारियों के साथ चाय पानी की चुस्कियां भी लगाते देखा गया है। मामला चाहे जो भी हो, अपनी उस उपलब्धि को पुलिस बड़ा मान रही है। अपराधों में फरार पारदी रामगोपाल पारदी को पकड़ा गया है। इस पर करीब 30,000 रुपये का इनाम था और वर्तमान में ये 8 मामलों में फरार चल रहा था और कुल इस पर करीब 26 मामले दर्ज हैं। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसको आगे पूछताछ में ले लेंगे, पीआर लेंगे और जितने भी आगे कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो प्राप्त करेंगे। सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ है पारदी? धरनावदा क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। इसमें सर फायर मारी किस तरीके से हुआ था पहले बीच में? हाँ नहीं, इसमें कोई फायरिंग की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी है और इसमें जो है पुलिस पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया है। लगातार इसके बारे में सूचना, क्योंकि ये बड़ा काफ़ी दुर्दांत बदमाश है और 30,000 का इनामी था, ये लगातार इसके पीछे मुखबिर लगाए गए थे। उसी मुखबिर के सूचना के आधार पर इसको धरनावदा क्षेत्र में पकड़ा गया है और इस पर काफ़ी 26 मामले हैं करीब, अपने गुना जिले के भी हैं और प्रदेश में और भी दूसरे जगह के भी हैं, दूसरे स्टेट के भी हैं मामले। उनको पकड़ने वाले में कितने लोग शामिल थे? इसमें उमेश यादव और उनकी टीम मुख्य रूप से थी, बाकी का पूरी तरह से कोतवाली पुलिस द्वारा ही इसको पकड़ा गया है। क्या कारण था कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया, धरनावदा पुलिस भी पकड़ा गया? धरनावदा वाले भी प्रयास कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि किसी एक को ही ये टारगेट दिया गया हो, वो उनने भी कुछ इनामी बदमाश इस बीच में पकड़े हैं और कोतवाली पुलिस द्वारा भी पकड़े गए हैं। ये तो कोई भी जिसके जिस भी पुलिस अधिकारी को सूचना है वो प्रयास कर रहा है। श्योपुर जिले के करला जाने से पहले गुना हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस पहुंची। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश के कुपोषण के बारे में जानकारी दी। साथ ही माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली देश की पहली दिव्यांग अरुणिमा को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने देने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि मैंने अपनी तरफ से महाकाल मंदिर से जानकारी पर यह घटना क्यों हुई इसके लिए जिले प्रशासन को निष्पक्ष जांच के लिए आदेशित कर चुकी। वहीं उन्होंने कुपोषण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जब आई थी उस समय कुपोषण की स्थिति बद से बदतर थी, आज जाकर प्रति मीटर के हिसाब से 27-28% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका आशीर्वाद लेंगे, तत्पश्चात सीधे श्योपुर जिले के करला पहुंचेंगे और कसरिया, बेगा और बारिया जाति की महिलाओं के खाते में हर माह
1000 रुपए सरकार डालेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने इस योजना की स्वीकृति के साथ ही 300 करोड़ से अधिक की राशि की घोषणा की है। इसी महीने से इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी जिले के करला पहुँचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल नहीं सीधे कराल पहुंचेंगे और वहां से प्रारंभ होगा एक बहुत ही सोचा समझा वेल प्लान अभियान नए अपने नए प्रारूप में। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सहरिया बैगा और बारिया जाति की बहनों के अकाउंट में माताओं के अकाउंट में 1000 रुपया प्रति माह सरकार डालेगी, तब महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते से एक ओर मैं बहुत प्रसन्न हुई और वही दूसरी ओर मुझे लगा अब तो भी जब मार्च में बजट आएगा तब सैंक्शन होगी, तब पैसे हम डालना शुरू करेंगे और ज़मीन पर जाते जाते इसको 4-6 महीने लग जाएंगे। बंधुओं, पिछली कैबिनेट में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस योजना की स्वीकृति के साथ 300 करोड़ से अधिक के अपने एक्सपेंडिचर का निर्णय कर घोषणा की पोषणा को सुनिश्चित किया है। अपनी तरफ से मैंने महाकाल मंदिर में प्रशासनिक तौर पर जानकारी भेजी थी और ये घटनाक्रम क्यों हुआ इसके लिए मैं जिले के प्रशासन से इसकी जांच करने के लिए आदेशित कर चुकी हूँ। बीनागंज नगर में लोदा लोधी समाज द्वारा वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा ग्वालियर में मंगला चौराहे पर स्थापित न कर अन्यत्र किए जाने के विरोध में आज चाचौड़ा तहसील के सैकड़ों समाज बंधुओं ने बीनागंज में आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रकट किया। बाद में बस स्टैंड राजीव चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए SDM चाचौड़ा नीरज शर्मा को मूर्ति मंगला चौराहे पर स्थापित करने हेतु ज्ञापन दिया गया। पूर्व सांसद प्रतिनिधि है उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। नहीं चलना पड़ेगा ये तो बात है कि यदि यही कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष का होता, ये कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष का होता या विधायक का होता तो आज यहाँ पर सारे अधिकारी खड़े रहते। मगर दुर्भाग्य है लोगों के समाज का जो बहुमत में है इसकी बड़ी संख्या है उसके बाद भी अधिकारी देखी करता है और अपने को कोई मान्यता नहीं देता है। यदि अपन अपनी शक्ति दिखाएंगे इन लोगों को यदि अपन वोट चला देंगे रानी अवंतिका भाई जो ग्वालियर के जयवान सिंह पवैया मंत्री जी हैं उन्होंने मूर्ति को स्थापित होने से निरस्त कराया है, इस वजह से हमने बीनागंज बस स्टैंड पर धरना दिया है। बीनागंज से हमारे सहयोगी दिनेश भार्गव के साथ RK शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के 93वें जन्मदिवस पर अल्पसंख्यक मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता राधोगढ़ शासकीय अस्पताल पहुंचे। यहां सभी नेताओं ने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को स्वल्पाहार कराया और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे।
भाई साहब को तो मत होयो ए गाडियां पे गिनते जो है जिका लेगी देखो सुनो इधर तो देखो ना उसके लिए बोलना लीला लीला बंटी लीला डीजे न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।